Amen. एक इस चीज का ये जो है NSS सर, ये NSS स्कूल में, अच्छा NSS ये मैथ नहीं था प्लस में, और बाकी ठीक था, कोई प्रॉब्लम मेडिकल साइड से ठीक आई मेरा ठीक सब कुछ अगर बाकी फोटो स्टेट है फोटो स्टेट तो नहीं खड़े होना है इस साइड ठीक है बाकी कोई है तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है ऐसे कभी कभी होती है इसके दर्द से तो ठीक है ना अच्छा इससे गिरी भी ना कभी कभार बताते हैं दर्द वैसे डॉक्टर ने तो कुछ नहीं आपने इसको देखना है ठीक है इसको मैं घुमाऊंगा तो आपने यहाँ देखना है ठीक है ज्यादा नहीं आंखें घुमानी है नॉर्मल घुमा सिर नहीं घुमाना ठीक है ठीक बाकी सुनाई ठीक देते हैं ठीक है इधर बैठो इसकी वो करना ऑन करना कान वगैरह ठीक है कोई है तो नहीं बीच में प्रॉब्लम कोई नहीं दूसरा दिखाना ठीक है नोजू करना ऊपर ऐसे पूरा उंगली ऐसे डालो तीन उंगली ऐसे ऐसे हाँ चार डालो टंग अपने ऊपर करो मुंह पूरा खोलो ना पूरा खोलो हाँ ठीक नीचे कान नीचे करो ठीक चलो बाहर चलो रास्ता है ठीक रास्ता, रास्ता नहीं है दो है गहराई से देखो ना रास्ता ही है ये डरना नहीं है घबराना नहीं है ठीक है कॉन्फिडेंस रखना है फौजी बनना नहीं 35
ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, बनोगे फौजी पक्का? कॉन्फिडेंस है? ठीक है, बाकी कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अंदरूनी कोई प्रॉब्लम? ठीक ठाक है, ठीक है। चलो आप क्या मतलब बोलना चाहते हो आप? चलो ठीक है, पहले आपकी मामा बोलते हैं। और आप बताओ मैडम जी, क्या लेके आए हैं ये मुद्दा? क्या आप जबरदस्ती तो नहीं लेके आए? देखो किसी में भी आता है, काबिलियत भी आता है। मैंने बोल तो दिया, मैं देख मेहनत है, देख ले नहीं मेहनत तो करना। देखो इधर रहना है कि इनका शेड्यूल है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से सारी चीजें होंगी, पढ़ना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। लेकिन घबराने वाली बात थोड़ी घबराती है, घबराना नहीं है। देखो आप अभी बच्चे हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। आए हैं ग्राउंड में तो खुल के चलना, ठीक है। लाइफ में एक मैं आपको चीज बता दूं, आपके कल को जैसे मैरिज भी हो जाएगी, जैसे आपके हस्बैंड वगैरह उनके पास जितना मर्जी पैसा होता है, लेकिन अपना पैसा कमाया हुआ बेशक 500 रुपया भी हो, उसका नजारा कुछ अलग है, ठीक है। लाइफ में जब आपके पास अपना पैसा होगा, उसका जब आप खर्च करोगे, उसकी चीज अलग है, ठीक है। तो इसलिए आगे निकल के आओ और बनो, मंजिल को हासिल करो ना। उसको हासिल करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। लटर मस्ती पैसे होने नहीं देते हम, करनी भी, ठीक है। बढ़िया तरीके से रहना है, हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, और अपने सभी जितने भी लड़के हैं यहाँ पर, भाई बहन सब एक परिवार, ठीक है। और जैसे स्टाफ होता है उनके साथ बढ़िया तरीके से, कोई चीज नहीं पता लगती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी डरने वाली कोई बात, ठीक है, घबराने वाली कोई बात, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया जगह आए हो आप, ठीक है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा लगन लगाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ, पक्का कन्फर्म करती हूँ, लेकिन पढ़ाई आपको करना, इतना टफ काम नहीं है वो, पढ़ाई नहीं है कि याद करके लिखना। यहाँ पे फौजी पढ़ाई कैसी होती है, चार ऑप्शन आएंगे, मान लो 1 2 3 4, चार में से एक को टिक करना। जैसे एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे आसान से, उनमें से जो आपको पढ़ाया होगा यहाँ पर उनमें से आ जाएंगे, और वो आपने एक ऑप्शन को क्या करना, टिक कर दिया, बस आप पास। अच्छा, अभी पढ़ा था आपने, कोई बात नहीं, अभी उसकी मैडम प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी जब प्रैक्टिस करेगी तब ऑनलाइन ही पढ़ा था ना। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई बात, पता भी नहीं था उसमें कैसे है, नहीं कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ, पहली बार ही था, पता नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। अरे एक ही मैंने बोला इसको, मम्मा कुछ नहीं आया, मैं तो पता चलता है तो जाया। हाँ चलो, एक्सपीरियंस तो हुआ आपका, ठीक है। और कोई बताओ आपको कैसा लगा इधर, पूरी रात आपने निकाल दी, अच्छा है, बढ़िया, कैसा इधर आपको क्या लग रहा है, इधर आके कैंप के आके अंदर आके अच्छा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है, बढ़िया तरीके से रहना, ठीक है। और मैडम जी, जहाँ जब भी बाहर बच्चा जाएगा, कहीं मान लो बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ लेना हो तो जा सकते, नहीं ऐसे नहीं भेजते, किसी के साथ आप, ऐसा नहीं। हाँ, मैं हम भेजते हैं, जब भी कोई जहाँ से जाएगा, जहाँ तो कोच जाएगा, जहाँ जहाँ टीचर जाएंगे, जहाँ हमारी मैडम जाएगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसको थोड़ा सा टाइम अपने पूजा के लिए देना है, भगवान तो है ही है, उनकी हम खुद मानते हैं, तो आप मानना 15-20 मिनट, ऐसे तो बच्चे याद करते नहीं, करना है, ठीक है। जैसे जो रूटीन आप घर में करते हो वो यहाँ करते,
ठीक है, वो कोई टेंशन है ना, वो आप अपने टाइम से जब आप बोलेंगे तो वो टाइम 15-20 मिनट ऐसा नहीं कि ज्यादा, कोई बात हो जाएगा। और बताओ, बाकी बस ध्यान रखो, कोई देखो टेंशन तो लेनी नहीं, नहीं टेंशन नहीं, हम फौजी बंदे बैठे हुए हैं, कोई टेंशन लेने की नहीं, टेंशन वाली बात वो जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हमारे भी बच्चियां हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारी बच्ची थोड़ा टाइम के बाद महीने बंद रहेगा, फिर तो जब घुल मिल जाएगी, हाँ थोड़ी सेटिंग हो जाएगी। देखो नई नई जब बच्चियां आती हैं तो लड़कों से भी बातचीत करना, ये वो डरती हैं कि है ना, जैसे हमारे गांव में है ना घर, तो स्कूल भी नजदीकी है प्लस, हाँ कहीं बाहर गए भी ना, जी जी कहे आदत नहीं है, आदत है, जी 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 आदत नहीं है, ढल जाएगी तब तो हो जाएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आपने बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना है, बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी जहाँ पर आए हो तो मेहनत करनी है, ठीक है, खास करके पढ़ाई के मामले में। आपको अभी मैडम जी दो रजिस्टर लेके देगा, एक जो है रफ कॉपी यहाँ मिल जाएगी, एक मोटा रजिस्टर होगा, ये कंटीन में, कंटीन में मिल जाएगा, तो वहां आपने इनको दो रजिस्टर लेके देने हैं। जो असली रजिस्टर होगा उसमें बेशक आप मैथ का अलग से ले सकते हैं, एक मैं जीके कर लिया, एक मैं रीजनिंग कर लिया, एक मैं मैथ कर लिया, एक मैं जैसे साइंस कर लिया, जैसे अलग अलग पार्ट में आपने वो चीजें कर ली, ठीक है। रजिस्टर दो ही लेना, हाँ दो ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है, वैसे दो तो जरूरी है, ठीक है, जे आप तीन ले लेते हैं तो बेटर है, उसमें क्या हो जाएगा, एक मैथ का अलग हो जाएगा और जीके का और साइंस का अलग, ठीक है, बढ़िया तरीके से बनाना, वो मैं चेकिंग भी करता हूँ, टीचर भी चेक करेंगे, मैं भी खुद चेक करता हूँ, तो वो जो पढ़ाएंगे आपको वो आपका पूरा सिलेबस शाम को नोट होगा, बाकी रूटीन जो है आपका इधर बनाया हुआ है, शेड्यूल आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो वो जगह जगह पर लिखे हुए हैं, क्या रूटीन है आपका, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या क्या करना है, पूरा एक रूटीन, ठीक है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और एडमिशन कर लिया अभी, करनी है चलिए आप, नहीं करनी है चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी जैसे आपको पता ही है कि गर्ल्स का बैच हमारे पास अभी कंटिन्यू जो है जारी है, और हमने पहले जो है गर्ल्स का बैच हमने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अभी जो है हमने गर्ल्स का जो बैच जहां पर स्टार्ट कर दिया है, और जहां पर सबसे ज्यादा जो गर्ल्स हमारे पास, हम इसलिए गर्ल्स जहां पर प्रिपेयर ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है, तो जहां पर पूरी पहले तो सेफ्टी है, जहां पर पूरा जन की एक स्क्वेयर हमारा कैंप है, आपको पता ही है पूरा अंडरग्राउंड है ये, पूरा जन की शाम को पूरे गेट शेड हर चीज बंद हो जाती है, पूरी बच्चों की सेफ्टी है, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, हर जगह जन की रिकॉर्डेड है, बाहर हमने आउटसाइडर बच्चे कोई भी बाहर नहीं आते हैं, और अंदर अंदर बच्चे रहते हैं, सेफ एंड साउंड रहते हैं। तो गर्ल्स हैं आप आए और एक बार चेक करें और कमांडो डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने, जहां पर बढ़िया सिस्टम है, आपको खाना पीना रहना सहने की कोई टेंशन नहीं होगी, आपको प्रॉपर तरीके से रनिंग कराई जाएगी, प्रॉपर तरीके से जो आपको आने वाले जो नेक्स्ट जो भर्तियां आने वाली हैं जो उनके रिलेटेड ही आपको जो है एजुकेशन जो है पढ़ाया जाएगा, और टाइम टू टाइम सारी चीजें होंगी, एक रूटीन है यहां पर और प्रॉपर जो है उस रूटीन को फॉलो किया जाता है। आप आए एक बार चेक करें, और यदि भर्ती होना चाहते हैं तो पक्का एक बार हमारे पास आके जो है भर्ती होने का सपना पूरा कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्का शेयर और लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और इस बैच में आप शामिल हो सकते हैं और अपना जो है सपना लेके बैठे हैं वो आप भर्ती होने का जो सपना लेके बैठे हैं वो पूरा कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, लव यू टू ऑल, थैंक्स टू बच्चे।